तो प्रेजेंटली मैं डिस्कशन कर रहा हूँ कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ़ द एंगुलर मोमेंटम ऑलरेडी प्रीवियस क्लिप में मैंने आपको डिस्कशन uh, किया था एंगुलर uh, मोमेंटम के बारे में अभी हम लोग टॉर्क और uh, क्या बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम को रिलेट करेंगे और उसके बाद ये डिस्कशन करेंगे कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑलरेडी आप एन में कंजर्वेशन प्रिंसि ऑफ लेनियर मोमेंटम डिस्कशन किए हो वो द सेम एनालॉजी है इसमें भी आपका बस राइट right? तो जैसे आप पार्टिकल के लिए कोई भी पार्टिकल अगर ट्रांसलेट कर रहा है कोई पार्टिकल में अगर मोमेंटम है तो वेक्टर एल इज इक्वल टू क्या होता है आर क्रॉस पी होता है राइट अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करके देखो डी एल बाई डी टी तो इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस पी राइट तो इसमें देखना या क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर को किया जाता है आर को छोड़ो डी पी बाई डी टी प्लस डी आर बाई डी टी एंड क्रॉस पी राइट तो ये आर क्रॉस एफ डी पी बाई डी टी क्या होता है एफ होता है आई डी आर बाई डी टी देखना आर क्या है पोजिशन वेक्टर है जो ट्रांसलेटिंग पार्टिकल का और पी मोमेंटम है तो भी क्रॉस पी तो इसमें तो भी क्रॉस भी पी में तो ऑलरेडी आपका एम भी आ जाएगा राइट तो ये तो जीरो हो गया तो इसका मतलब डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर एल इज़ इक्वल टू तो टॉर्क ठीक है और वह भी एक्सटर्न मतलब ऐसे यह रिजिड बॉडी के लिए भी है रिजिड बॉडी में ध्यान देना है कि इसमें जो इंटरनल टॉर्क कैंसिल हो जाएगा ठीक है ना तो ये आपका ये एक्सटर्नल हो गया डी एल बाई डी टी ऑल राइट अब इसमें तुम्हें ध्यान देना है कि अगर तुम्हारा इफ़ टॉर्क एक्सटर्नल अगर ज़ीरो होता है कोई भी सिस्टम पे सिस्टम पे तो डी बाई डी टी अगर आपको डी बाई डी टी इफ uh, क्या बोलते हैं एल इज़ इक्वल टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो तो डी बाई डी टी ऑफ द एल इज इक्वल टू जीरो तो इसका मतलब कि क्या है कि क्योंकि आपका डी एल बाई एक्सटर्नल डी एल बाई डी टी या तो एल जीरो होगा और एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा ठीक है एक्चुअली यही है कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट, ठीक है कंजर्वेशन uh, जो प्रिंसिपल की बात हो रही है ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ एंगुलर मोमेंटम राइट तो ये है क्या इन द एब्सेंस ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क in the absence of the external torque on any system on any system angular momentum remains constant angular momentum remains constant right remains constant clear means uh, if uh, torque external if uh, torque एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो तो एल कांस्टेंट आई ओमेगा कांस्टेंट ओमेगा यूनिवर्सली पोस्टनल टू आई और या आई वन ओमेगा वन आई टू ओमेगा टू राइट ओके तो ये कॉन्सेप्ट हो गया और जैसे आप एल इज इक्वल टू आई ओमेगा या के रोटेशनल वन बाई टू आई ओमेगा स्क्वायर तो यू कैन राइट वन बाई टू आई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आई तो ये एल स्क्वायर बाई टू आई तो ये आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम मोमटम भी टर्म में लिख सकते हो इस पर भी अपन प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करते हैं ठीक है जैसे कभी आता है पर, परसेंटेज चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और आपका परसेंटेज चेंज इन एल में दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाउंड परसेंटेज चेंज इन द रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी ओके तो दिस इज द कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ द एंगुलर मोमेंटम अब जैसे मान लो ये डिस्क है इसकी इनर्सिया आई दी हुई है और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है अबाउट दिस एक्सिस एक नेक्स्ट क्या कर रहे हैं? एकदम सिमिलर डिस्क आ, सिमिलर बिल्कुल सिमिलर डिस्क को जेंटली ड्रॉप किया जा रहा है जेंटली ड्रॉप्ड राइट और मतलब ये रफ भी है ये बिल्कुल ये रफ है ना मतलब इसमें ठीक है तो अब ये जो आप क्या होगा कि आपका ये ऐसा को, ओमेगा कॉमन निकालना है इसका क्या निकालना है ओमेगा कॉमन तो देखो ये जेंटली ड्रॉप किया गया है और ये आपको अलोंग द एक्सिस ठीक है तो जो भी फोर्स अगर होगा इसमें हम लोग देख रहे हैं तो एक्सिस पासिंग है अगर लग भी रहा होगा तो मतलब ऐसे बाहर से कोई टॉर्क नहीं लग रहा है टॉर्क एक्सटर्नल और कितना है आपका ज़ीरो है तो एल इनिशियल एल फाइनल तो इसकी इनर्सिया आई दी हुई है और इनिशियल स्पीड ओमेगा दिया हुआ है ठीक है ये जो स्पीड इसकी है ओमेगा राइट तो आई वन ओमेगा वन I2 टू ओमेगा टू तो I ओमेगा और ये तो सिमिलर है तो इसकी भी नर्सिया क्या हो जाएगी I तो I2 टू टू आई हो जाएगा और ओमेगा डैश या कॉमन तो ओमेगा डैश इज टू आई ओमेगा बाई टू आई राइट तो टू तो आई आई कैंसल हो गया तो हाउ मच दिस ओमेगा बाई टू ठीक है आई आई कैंसल तो ओमेगा डैश इज्कवल टू तो ये जो कॉमन स्पीड आ गया दिस इज द ओमेगा बाई टू ओके तो ये दिस इज द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ द एंगुलर मोमेंटम राइट एक और प्रॉब्लम मैं करता हूँ जैसे आप देखो ये रिंग है ठीक है मास एम रेडियस आर और ये इसको या चलो मान लो डिस्क ले लो डिस्क है और ये ओमेगा से घूम रहा है फिर इस पर एम नॉट जेंटली यहाँ पर स्टिक किया गया है यहाँ पर भी एम नॉट ठीक है ना ऐसे पैरेलल टू एक्सिस में जेंटली है ना बहुत स्मूथली स्टिक किया गया है यहाँ पर एम नॉट कोई ऐसा प्रॉब्लम है जेंटली राइट right? तो अब नया एंगुलर स्पीड जो होगा ओमेगा न्यू वो क्या होगा तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है टॉर्क एक्सटर्नल क्या है ज़ीरो टॉर्क एक्सटर्नल जीरो तो एल इनिशियल एल फाइनल आई वन ओमेगा वन आई टू ओमेगा टू तो आई वन कितना डिस्क है तो m आर स्क्वायर बाई टू ओमेगा और अब तो ये डिस्क भी रहेगा साथ में तो m आर स्क्वायर बाई टू और इसका m नॉट आर स्क्वायर ये भी इधर का भी और इधर का भी तो टू और ओमेगा न्यू आ रही में ये पार्टिकल एम नॉट और ये पार्टिकल एम नॉट तो अपना ये तो आर स्क्वायर तो सब में कैंसल हो जाएगा ओमेगा तो न्यू इज़ इक्वल टू एम ओमेगा बाई टू आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये एम बाई टू प्लस टू एम नाट राइट टू एम नाट और ये ओमेगा हाँ तो फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको ठीक है एम ओमेगा बाई टू डिवाइडेड बाई दिस तो कितना हो जाएगा अब इसको सॉल्व करते हैं तो एम ओमेगा ओमेगा न्यू एम ओमेगा बाई टू और एम प्लस फोर एम नॉट बाई टू तो टू टू गया तो एम ओमेगा डिवाइडेड बाय एम प्लस फोर एम नॉट राइट तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका जैसे अगर मान लीजिए कि अर्थ जो है उसका रेडियस आर बाई टू हो जाए श्रिंक हो जाए विदाउट चेंज इन द मास जैसे ये अर्थ है ठीक है अब ये रेडियस आर है और ये बोला जा रहा है कि आर बाई टू टू हो रहा है श्रिंक कर रहा है मास जो है वो नो चेंज तो अभी जो टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ है ट्वेंटी फोर आवर्स टी प्रेजेंट तो इस केस में जब ऐसा हो जाएगा आर बाई टू तो अब इस केस में टाइम पीरियड न्यू कितना होगा तो इसमें तो हम देखते हैं कि अभी तो मान लीजिए कि ये स्पीड ओमेगा है तो यहाँ तो अच्छा कोई ऐसा सरिंक कर रहा है अपने आप कर रहा है तो टॉर्क एक्सटर्नल क्या हुआ जीरो एल आई एल फाइनल तो आई वन ओमेगा वन आई टू ओमेगा टू तो सॉलिड स्पियर की तरह इसको लेंगे तो टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर ओमेगा टू बाई फाइव एम आर बाई टू रेडियस तो आर ए स्क्वायर बाई फोर ओमेगा टू तो टू बाई फाइव कैंसल आर ए स्क्वायर कैंसल तो ओमेगा टू इज इक्वल टू हाउ मच फोर ओमेगा स्पीड बढ़ रही है अब तो टी टू इज इक्वल टू टू पाई बाई ओमेगा टू तो टू पाई बाई फोर ओमेगा तो वन बाई फोर इन टू टी तो ओरिजिनल टाइम पीरियड हाउ मच यार ट्वेंटी फोर आवर्स राइट तो सिक्स आवर्स ठीक है इसी में आपको काम करना है छः घंटे में टाइम पीरियड इसका डेज नाइट होगा राइट Okay, thank you.